देश का सबसे बड़ा अखाड़ा छत्रसाल स्टेडियम, जहां बड़े बड़े पहलवान अपने कुश्ती के दांवपेच से पूरी दुनिया में देश का डंका बजाया, देश का नाम किया। वो अखाड़ा जो पूरे देश में पहलवानी का सपना देखने वालों के लिए एक जन्नत कहा जाता है, एक सपना कहा जाता है। वो अखाड़ा क्या अब डगमगा जाएगा? क्या वो अखाड़ा अब बंद हो जाएगा? इसकी सुगबुगाहट बहुत तेजी से हो रही है। दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम पिछले कई सालों से दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले पहलवानों की कर्मभूमि रहा है, और यही वो छत्रसाल स्टेडियम है जो भारत देश को 3 ऐसे पुरुष पहलवान दिए जो ओलंपिक में कई सालों से रुका हुआ देश का सपना पूरा करके वापस लौटे, और मौजूदा दौर में भी इसी अखाड़े का एक पहलवान टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने की सूरत में दिन रात एक कर रहा है, और देश को उम्मीद है कि वो पहलवान गोल्ड मेडल लेकर तो आएगा, देश का नाम तो रोशन करेगा करेगा, और इस छत्रसाल स्टेडियम के नाम को भी 4 चांद लगाएगा। वो अखाड़ा बंद होने की कगार पर है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सुशील कुमार पहलवान और उसका किया हुआ वो जघन्य अपराध, क्योंकि सुशील कुमार पहलवान को छत्रसाल स्टेडियम का OSD बनाया गया था, यानी कि सर्वे सर्वा। सुशील कुमार पहलवान ने तो अपने कुरीतियों के चलते जेल में बंद। इस अखाड़े का अब क्या होगा? अखाड़े का कंट्रोल किसके हाथ में दिया जाएगा? और अगर किसी के हाथ में नहीं दिया जाएगा तो इस अखाड़े का फ्यूचर क्या होगा? यही वो सवाल है जो लोगों के मन में उठ रहे हैं, क्योंकि छत्रसाल स्टेडियम की बागडोर किसी ऐसे पहलवान के हाथों में नहीं दी गई जो इसे ठीक से चला सके, तो आने वाले समय में यकीन मानिए भारतीय कुश्ती भी डगमगा जाएगी, जमीन छोड़ देगी। वो भारतीय कुश्ती जिसने भारत देश का नाम फख्र से दुनिया में ऊंचा किया, भारत की कुश्ती पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी, अपनी जगह से हिल जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से देश का कोई भी अखाड़ा ऐसा नहीं हुआ जो इतने ज्यादा ओलंपिक खेलने वाले पहलवान देश को दिए हों। ऐसे में क्या इस अखाड़े का फ्यूचर खत्म हो गया? ये एक चिंता का सबब है भारतीय कुश्ती के लिए, क्योंकि अब कोई भी माँ बाप छत्रसाल स्टेडियम के नाम पर अपने बच्चों को तो वहां पर पहलवानी के गुर सिखाने के लिए तो नहीं भेजने वाला, क्योंकि हर माँ बाप को यह डर सता रहा है कि पहलवानी के तेवर, पहलवानी के गुर, पहलवानी के दावपेच सीखते सीखते हमारा बच्चा ऐसे लोगों के संपर्क में ना आ जाए जो बाद में बदमाशी करने लगे, फ्लैटों पर कब्जा करने लगे, लोगों के जमीनें, विवादित जमीनें छुड़वाने लगे, ये सब कुछ ना सीख जाए। तो छत्रसाल स्टेडियम को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि छत्रसाल स्टेडियम की बागडोर किसके हाथों में जानी चाहिए कि देश की इज्जत, देश की मर्यादा वापस देश में बनी रहे, और यूं ही छत्रसाल स्टेडियम की मिट्टी ऐसे पहलवान को पैदा करती रहे जो देश का नाम तो रोशन करें ही करें और साथ में इस अखाड़े का नाम भी ऊंचा करें और अपना भी नाम ऊंचा करें। तभी तो सुशील कुमार पहलवान ने इस अखाड़े को जो कलंकित किया है उस कलंक को धोया जा सके। आप इस खबर पर अपनी राय क्या रखते हैं, अपने विचार क्या रखते हैं, नीचे साझा कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। PDF न्यूज की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं।